ओम शांति। आज की बाबा की अव्यक्त वाणी है 11 सितंबर 2022 की और रिवाइज डेट है 8 अप्रैल 1992। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी है ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनना, और हम ब्राह्मण बच्चों को विशेष नशा दिलाते हुए कहा कि आप ब्राह्मण आत्माएं आदि देव की आदि रचना हो, इसलिए आप कल्प वृक्ष में ब्राह्मण फाउंडेशन अर्थात जड़ में दिखाए गए हो, और कहा कि आप डायरेक्ट रचना का कितना महत्व है, डायरेक्ट बीज परमात्मा के साथ आपका संबंध है। आप सभी रूहानी नशे से कहते हो कि हम डायरेक्ट परमात्मा की संतान है। फिर बाबा ने स्व सेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस रखने के लिए कहा कि सेवा उसको ही कहा जाता है जिसमें स्व और सर्व की सेवाएं समाई हुई हो। फिर बाबा ने स्व सेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस रखने के लिए कहा कि सेवा उसको ही कहा जाता है जिसमें स्व और सर्व की सेवा समाई हुई हो। पहले स्व को सफलता, साथ में औरों को भी सफलता की अनुभूति हो, दोनों सेवाएं साथ साथ हो। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य, स्व की सेवा के साथ साथ विश्व सेवा करने की युक्ति विस्तार से। आज की अव्यक्त वाणी का हेडिंग है ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी है अव्यक्त फरिश्ता बनना। बाबा कहे, आज बेहद का बाप अपनी आदि श्रेष्ठ डायरेक्ट रचना को देख रहे हैं। ब्राह्मण आत्माएं डायरेक्ट शिववंशी ब्रह्मा कुमार और कुमारिया हो, ब्राह्मण आत्माएं आदि देव की रचना हो, इसलिए कल्प वृक्ष में ब्राह्मण फाउंडेशन अर्थात जड़ में दिखाए गए हैं। अपना स्थान देखा है ना, तो वृक्ष में आप आदि रचना बीज के समीप जड़ में दिखाए गए हो, इसलिए डायरेक्ट रचना हो। अन्य आत्माएं डायरेक्ट माता पिता अर्थात शिव बाप और ब्रह्मा माँ अर्थात डायरेक्ट परमात्मा रचना नहीं है, आप डायरेक्ट माता पिता की रचना हो। फर्क है ना, आप आदि रचना और अन्य धर्म आत्माओं की रचना दोनों में अंतर है। आप परमात्मा रचना अपने रचता माता पिता दोनों को अच्छी तरह से जानते हो। अन्य धर्म पिताओं की आत्माएं तना से निकली हैं, आप जड़ भी हो और तना भी हो, ब्राह्मण रूप में वृक्ष की जड़ में हो और देवता रूप में वृक्ष के तना हो, और सभी धर्म आप तना से निकलते हैं, तो आप डायरेक्ट रचना का कितना महत्व है, डायरेक्ट बीज के साथ संबंध है, उन्हों का इनडायरेक्ट संबंध है, आपका डायरेक्ट है। आप सभी रूहानी नशे से कहेंगे कि हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं। जो भी धर्म वाली आत्माएं आती हैं, वह सभी अपने को क्रिश्चियन बौद्ध इस्लामी कहलाएंगी, डायरेक्ट शिव वंशी व आदि देव ब्रह्मा की रचना नहीं कहलाएगी। क्राइस्ट वंशी क्रिश्चियन कहेंगे, धर्म पिता क्राइस्ट के क्रिश्चियन हैं। यही जानते हैं, वह सभी धर्म पिता के वंशी हैं, और आप कहेंगे परमात्मा के, तो धर्म पिता और परम पिता कितना अंतर है, डबल विदेशी क्या समझते हैं, परम पिता के हो या धर्म पिता के हो, परम पिता के अर्थात डायरेक्ट रचना हो, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना अंतर है, नशे में भी अंतर है और प्राप्ति में भी अंतर है, इसलिए भक्ति मार्ग में भी इनडायरेक्ट अपने इष्ट द्वारा बाप को याद करते हैं। अगर कोई शिव भक्त भी हो, वो भी शिव शंकर एक मान करके याद करते हैं, तो डायरेक्ट हो गए ना, जानते भी हैं कि राम का भी रामेश्वर है, लेकिन फिर भी याद राम को ही करेंगे, तो भक्ति इनडायरेक्ट हो गई ना, क्योंकि भक्त आत्माओं की रचना भी पीछे की आत्माएं हैं। आप डायरेक्ट परमात्मा वंशी आत्माएं हो, द्वापर में भक्ति भी करते हो, तो बिना पहचान के भी पहले शिव बाप की भक्ति करते हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर यह सूक्ष्म देवताओं की पूजा पीछे होती है, आदि में नहीं, तो अन्य आत्माएं रचना भी इनडायरेक्ट आत्माओं द्वारा है, और भक्ति में भी इनडायरेक्ट भक्ति है, आप डायरेक्ट भक्त हो, इनडायरेक्ट नहीं, अर्थात शिव की पूजा ही आरंभ करते हो, तो प्राप्ति में भी देखो आप डायरेक्ट आत्माओं
अर्थात डायरेक्ट रचना को अनेक जन्मों के लिए वर्षा जीवन मुक्ति का मिलता है। अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति का वर्षा इतने समय का नहीं मिलता है। आपकी जीवन मुक्ति आधा कल्प चलती है और अन्य आत्माओं की जीवन मुक्ति और जीवन बंध दोनों ही आधा कल्प के अंदर मिलता है, वह भी द्वापर से आदि वाली आत्माओं को। पीछे वाली आत्माओं को थोड़े जन्मों में ही दोनों ही प्राप्ति होती है और विशेषता यही है कि आपकी जीवन मुक्त अर्थात गोल्डन सिल्वर एज चक्र के भी गोल्डन सिल्वर समय पर प्राप्ति होती है। आपकी गोल्डन एज है तो युग भी गोल्डन एज का है, प्रकृति भी गोल्डन एज है। चक्र को अच्छी तरह से जानते हो ना, और अन्य आत्माओं की जब गोल्डन एज है तो युग कॉपर एज या आयरन एज है। कॉपर एज में उन्हों की गोल्डन एज है और आपकी गोल्डन एज में गोल्डन एज है। कितना अंतर हुआ। आप सतो प्रधान है तो प्रकृति भी सतो प्रधान है। वह रजो प्रधान प्रकृति से सतो प्रधान स्टेज का अनुभव करते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रचना का कितना अंतर है। इतना नशा है कि हम डायरेक्ट परमात्मा रचना है, सदा नशा रहता है या कभी कभी नशा चढ़ता है, परसेंटेज में फर्क पड़ जाता है। कभी 100% रहता है तो कभी 50%, लेकिन रहना क्या चाहिए। बाबा कहते हैं अप एंड डाउन्स तो होते हैं लेकिन सदा एक रस रहना चाहिए ना, तो चाहिए चाहिए कब तक कहेंगे। सदा नशा रहता है यह फलक से नहीं कहते हो, रहना चाहिए कहते हो। तो संपूर्ण बनना अर्थात जिसमें यह चाहिए शब्द समाप्त हो जाए, सभी के मुख से यह निकले कि सदा है, उसके लिए कितने वर्ष चाहिए। बाबा संपूर्णता की स्टेज के लिए पूछ रहे हैं कि ऐसा बनने में कितना समय लगेगा। बाप भी चाहिए पूछता है कितने वर्ष चाहिए, 10 चाहिए कि उससे भी ज्यादा व कम चाहिए, क्योंकि तपस्या वर्ष प्रारंभ किया अब तो समाप्ति का समय आ गया। लेकिन जब आरंभ किया तो सबने क्या संकल्प किया, संपन्न बन जाएंगे यही सोचा था ना। वर्ष तो समाप्त हुआ लेकिन आप संपन्न हो गए या होना है, और वर्ष चाहिए। औरों को चैलेंज करते हो कि सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा लो, या कहते हो 25 वर्ष में वर्षा लो, तो 12 मास में कितने सेकंड कितने दिन हुए। तो सबको संपन्न बन जाना चाहिए ना, या अभी और समय चाहिए, क्या रिजल्ट है, कितने वर्ष चाहिए यह बता दो, नहीं तो दूसरा वर्ष समाप्त होगा, फिर यही गीत गाएंगे कि अभी समय चाहिए। यह चाहिए चाहिए का गीत कितना समय का है। गीत भी 3 व 5 मिनट का होता है ना। बबा कहते हैं वह गीत तो 3-4 मिनट का होता है। तपस्या वर्ष में दृढ़ संकल्प किया या संकल्प किया, दृढ़ता की निशानी है सफलता। फिर तो इस वर्ष और फोर्स की तपस्या चाहिए ना, या सेवा करनी है। दोनों नहीं कर सकते हो, आपका कर्म योगी टाइटल नहीं है, योगी है। आपका कर्म योगी टाइटल नहीं है, वह योगी है। वैसे देखा जाए तो सेवा उसको कहा जाता है जिसमें स्व और सर्व की सेवा समाई हुई हो। दूसरे की सेवा करे और अपनी सेवा में अलबेले हो जाए तो उसको वास्तव में यथार्थ सेवा नहीं कहेंगे। सेवा की परिभाषा ही है, सेवा के मेवे मिलते हैं। सेवा अर्थात मेवा, फ्रूट अर्थात प्रत्यक्ष फल। सेवा करो मेवा खाओ। अगर स्व के तरफ अलबेले बन जाते हो तो वह सेवा मेहनत है, खर्चा है, थकावट है, लेकिन प्रत्यक्ष फल सफलता नहीं है। पहले स्व को सफलता, साथ में औरों की भी सफलता की अनुभूति हो, साथ साथ हो। स्व को हो और औरों को नहीं हो तो भी यथार्थ सेवा नहीं है, और औरों को हो और स्व को नहीं हो तो भी यथार्थ सेवा नहीं है। तो सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ क्यों नहीं रहता, उसका कारण क्या है। एक को देखते हो तो दूसरा ढीला होता है, दूसरे को देखते हो तो पहला ढीला होता है, इसका कारण क्या है। कारण है कि सेवा के प्लान अर्थात योजना तो बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, लेकिन प्लेन अर्थात स्वच्छ बुद्धि बन प्लान नहीं बनाते। प्लेन बुद्धि अर्थात सेवा करते और कोई भी बात बुद्धि को टच न करे,
सिवाय निमित्त भाव और निर्माण भाव, निर्माण करते निर्माण स्थिति की कमी हो जाती है। इसलिए निर्माण का कार्य जितना सफल करने चाहते हो उतना सफल नहीं होता है। शुभ भावना व शुभ कामना का बीज है निमित्त भाव और निर्माण भाव, हद का मान नहीं लेकिन निर्माण। इसलिए सेवा के प्लान बनाने के पहले प्लेन बुद्धि बनना अति आवश्यक है। नहीं तो प्लेन बुद्धि के बजाय अगर बुद्धि में और अयथार्थ भाव का किचड़ा मिक्स हो जाता है तो जो सेवा का प्लान बनाते हो उसमें भी रत्न जड़ित के साथ साथ पत्थर भी जड़ जाते हैं। रत्न और पत्थर मिक्स हो जाते हैं। नौ रत्न जड़ेंगे तो एक पत्थर मिक्स करेंगे। कोई भी चीज में नौ चीजें रियल हो और एक आर्टिफिशियल हो तो वैल्यू क्या होगी? और ही लेने वाले के भी संकल्प चलेंगे कि नौ भी रियल है या मिक्स है। इसलिए सेवा के प्लान के साथ साथ प्लेन बुद्धि का अटेंशन पहले रखो। अगर प्लेन बुद्धि है और सेवा का प्लान इतना बड़ा नहीं है, फिर भी प्लेन बुद्धि वाले को नुकसान नहीं है, बोझ नहीं है। सेवा का फायदा कम है लेकिन नुकसान तो नहीं कहेंगे ना। मिक्सचर बुद्धि में तो नुकसान है, इसलिए यह वर्ष भी तपस्या का करेंगे। सेवा में तो कहेंगे नीचे आ जाते हैं तो क्या करेंगे, सिर्फ तपस्या करेंगे। जब स्वयं संपन्न बनो तब विश्व परिवर्तन का कार्य भी संपन्न होगा। आपके संपन्नता की कमी के कारण विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होने में रुका हुआ है। प्रकृति दासी बन आपकी सेवा के लिए इंतजार कर रही है कि ब्राह्मण आत्माएं ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बने तो हम दिल व जान सीख व प्रेम से सेवा करें। क्योंकि सिवाय फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते, तो ब्राह्मण से फरिश्ता बनना ही पड़े। और फरिश्ता का अर्थ ही है जिसका पुरानी दुनिया से पुराने संस्कार पुरानी देह के प्रति कोई आकर्षण का रिश्ता नहीं। तो तीनों में पास चाहिए, तीनों से ही मुक्त। वैसे भी ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है फिर जीवन मुक्ति का। वाया मुक्ति धाम के आप जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते हो तो फरिश्ता अर्थात मुक्त और मुक्त फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता बनेंगे। तो कितने परसेंट में फरिश्ते बने हो कि ब्राह्मण बनने में ही खुश हो? फरिश्ता बनना अर्थात अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाप से प्यार हो। जिसका फरिश्ता स्थिति से प्यार नहीं है तो ब्रह्मा बाप नहीं मानता है कि मेरे से प्यार है। प्यार का अर्थ ही है समान बनना। ब्रह्मा बाप फरिश्ता है ना, फरिश्ता बन। आप सबका फरिश्ता बनाने के लिए फरिश्तों की दुनिया में रुके हुए हैं। सिर्फ मुख से नहीं कहो कि बाप से बहुत प्यार है, क्या वर्णन करें। लेकिन ब्रह्मा बाप सिर्फ कहने से खुश नहीं होता, बनने से होते हैं। कहने वाले तो भगत भी बहुत हैं, कितने प्यार के गीत गाते हैं, इतने प्यार के गीत गाते हैं जो अनेकों को हंसा भी देवे और रुला भी देवे। वह सब है कहने वाले और आप हो करने वाले। अगर सिर्फ कहते रहते हैं तो समझो अभी भक्ति का अंश रहा हुआ है। ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा नहीं कहेंगे, लेकिन भक्त योगी आत्मा कहेंगे। अब क्या करेंगे? कोई नवीनता दिखाएंगे या इस वर्ष जैसे किया वही करेंगे? ऐसा भी समय आएगा जो बाप दादा उन्हों से ही मिलेंगे जो करने वाले हैं, जो बनने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं। अभी तो सभी को अलाउ कर देते हैं, भावना वाले भी आ जाओ, ज्ञानी योगी तो आत्मा भी आ जाओ। लेकिन समय परिवर्तन होना ही है, इसलिए अपने ऊपर और 10 गुना अंडरलाइन करके परिवर्तित होकर दिखाओ। फिर बाप दादा को उल्हाना नहीं देना कि ऐसे कैसे होगा, ऐसे क्यों किया। आप पुरुषार्थ में स्ट्रिक्ट नहीं होते हो तो बाप को तो स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। अभी तो बाप के प्यार स्वरूप से चल रहे हो, पल रहे हो, लेकिन सतगुरु का रूप धर्मराज नहीं है। सतगुरु की आज्ञा सिर माथे गाया हुआ है। अभी तो बाप दादा मीठे प्यारे बच्चे कह करके चला रहे हैं। अगर प्यार है, मिलन की प्यास है तो समान बनकर मिलो, महान अंतर में नहीं मिलो। समान बनकर मिलन में बहुत मजा है, ये मजा और है। बाबा कहते हैं अच्छा, बाप से मिल लिया, दृष्टि लिया
और वहाँ घर परिवार के बीच में गए तो फिर कोई कमजोरी आ गई, शक्ति मिली और काम में लाई, एक दो बार विजय बने फिर कमजोर बन गए। तो यह अपने प्रकार का मिलना है, लेकिन यथार्थ प्यार, यथार्थ मिलन इससे बहुत ऊंचा है, बहुत प्यारा है, उसका अनुभव करो, समझा? तो आज हम सभी बच्चे भी यथार्थ ऊंच मिलन की अनुभूति करने के लिए विशेष कोई संकल्प लेंगे और यथार्थ मिलन की अनुभूति करेंगे। सतगुरु की कोई ने आज्ञा नहीं मानी तो सतगुरु है ना, बाप के आगे तो बच्चों के नाज लाडकोट चलते हैं। अगर बाप से सच्चा प्यार है तो इस वर्ष में फरिश्ता समान बनकर दिखाओ। अभी इतने सब मिलने के लिए आए हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन और अच्छे से अच्छा करना है। प्यार करना और प्यार निभाना, उसमें अंतर है। करने वाले सभी हो, अगर प्यार नहीं होता तो इतने सब क्यों आते? लेकिन प्यार करना और निभाना, इसमें अंतर हो जाता है। प्यार करने वाले अनेक होते हैं और निभाने वाले कितने होते हैं? तो आप निभाने वाले हो। निभाने वाले फिर चाहिए चाहिए नहीं कहेंगे, प्रैक्टिकल है, सिर्फ मुख से नहीं। सुनाया ना कि तपस्या के चार्ट में भी अपने को मार्क्स सर्टिफिकेट देने वाले बहुत हैं, लेकिन सर्व के संतुष्टता का सर्टिफिकेट कोई कोई को प्राप्त होता है। चार्ट रखने वाले भी बहुत निकले, अपने को अच्छे से अच्छा सर्टिफिकेट देने वाले भी बहुत निकले, बहुत नहीं है लेकिन कुछ है। सेकेंड नंबर वाले बहुत हैं, लेकिन सबके मुख से यह निकले कि हाँ यह नंबर वन है। सबके दिल से यह दुआओं का सर्टिफिकेट मिले, इसको कहेंगे नंबर वन। कई बच्चे कहते हैं कि हम तो ठीक हैं, लेकिन कोई कोई आत्मा का कोई कड़ा हिसाब है हमारे से, जो कितना भी उसको संतुष्ट करो लेकिन वह संतुष्ट नहीं होता। बाप दादा ने पहले भी कहा था कि ऐसा कोई कड़ा हिसाब किताब है तो भी कम से कम 95-95% सर्टिफिकेट मिलने चाहिए। 5% का कड़ा हिसाब किताब है वह भी माफ है, लेकिन 95% दिल से दुआएं दे। कई ऐसे कहते हैं कि सबसे संतुष्ट कौन है, ऐसे तो एक भी दिखाई नहीं देता। बड़ों के लिए भी सोचते हैं कि इनसे ही नाराज हैं तो हमसे हुए तो क्या बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने 95% दिल से राजी हैं। बड़ों की बात दूसरी है, बड़ों को जज बनना पड़ता है, तो दोनों में से एक की बात हाँ करेंगे वह कहेंगे बहुत अच्छा, और जिसको ना कहेंगे वह कहेंगे ये भी अच्छे नहीं है। तो जज एक को हाँ करेगा या दोनों को, तो वह बातें अलग बात है, लेकिन दिल की तपस्या, दिल का प्यार, निमित भाव, शुभ भाव, वो सर्टिफिकेट सामने देखो। यह नहीं कॉपी करो कि बड़ों से भी संतुष्ट नहीं है तो हम तो पास हो जाएंगे, ऐसे नहीं सोचो। 95% अगर संतुष्ट है तो नंबर मिल जाएगा, समझा? अच्छा, चारों ओर के आदि पिता के आदि रचना, डायरेक्ट रचना, श्रेष्ठ आत्माएं, सर्व जीवन मुक्त का वर्षा, अनेक जन्म प्राप्त करने वाली आत्माएं, सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देव आत्मा बनने वाली अधिकारी आत्माएं, सदा प्लेन बुद्धि बन सेवा के प्लान में सफलता प्राप्त करने वाली आत्माएं, बाप से सच्चा स्नेह, सच्चा प्यार निभाने वाली सर्व समीप आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे अधिकारी सफलता मूर्त बनाने वाले बाप दादा को भी हम सभी बच्चों की ओर से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज बाबा ने वरदान दिया, कंट्रोलिंग पावर द्वारा तूफान को भी तोहफा बनाने वाले यथार्थ योगी भव। स्पष्टीकरण है, यथार्थ व सच्चा योगी वह है जो अपनी बुद्धि को एक सेकेंड में जहां और जब लगाना चाहे वहां लगा सके। परिस्थिति हलचल की हो वा वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकेंड में एकाग्र हो जाना, यह है याद की शक्ति। कितना भी व्यर्थ संकल्पों का तूफान हो, लेकिन सेकेंड में तूफान आगे बढ़ाने का तोहफा बन जाए, ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो, ऐसी शक्तिशाली आत्मा कभी ये संकल्प नहीं लाएंगी कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो जाता है। आज का स्लोगन है,
योग युक्त और युक्त युक्त कर्म करने वाले ही विघ्न प्रूफ बन सकते हैं। योग युक्त और युक्त युक्त कर्म करने वाले ही विघ्न प्रूफ बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।